पुलिस कर्मियों पर व्यापारी ने लगाया लूटपाट का आरोप। पीड़ित ने एसडीओपी क्या लगाई न्याय की गुहार। मामला कोलरस थाना क्षेत्र का। शिवपुरी के कोलरस थाना क्षेत्र में रविवार को रात्रि 11 बजे कोलरस थाने से 5 पुलिसकर्मियों ने एक व्यापारी को रोककर उसके साथ 10,000 रुपए छीन लिए और पुलिस में शिकायत करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। फरियादी जग्गू बंजारे ने उक्त आरोप लगाते हुए कोलरस एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने मामले की जांच का आश्वासन देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल एक युवक को अपनी पुलिस ने पकड़ के उसके पैसे से चुराया और उसको मारपीट की, इस पर आपका क्या कहना है? जग्गू बंजारा है, ये जानवरों का व्यवसाय करता है, भेड़ बकरी और जो जानवर वगैरह जो जाते हैं, तो इसने एक शिकायत पत्र मेरे कार्यालय में आके दिया है। कुछ पुलिसकर्मियों ने इसको रात में रोक के इससे पैसे मांगे, पैसे लिए। आवेदन लेके जांच की जा रही है, इसकी पहचान कराई जाएगी संबंधित पुलिसकर्मियों से। अगर ये मामला इस प्रकृति का निकला तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा करके निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस क्राइम करने से बचाती है पर पुलिस ही क्राइम करेगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी ये मामला पूरा जांच का विषय है। अगर ये चीज़ जो भी ये व्यक्ति भी पहले जुड़ा हुआ है जानवरों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जानवर कट्टू वाहन बंद करवा दिए गए इस रूट से, तो अगर ऐसा कोई मामला इसके बीच में फंसा हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे और संबंधित दोषियों के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसमें आप निश्चित रहें। क्या घटना घटी थी भाई सर? मैं ब्यावरा से आ रहा था। ब्यावरा से आ रहा था तो मेरा कुछ व्यापार के पैसे से लेकर आ रहा था ब्यावरा से। तो जैसे कोलारस पे जैसे रोड उतरा मैं, तो वहाँ से मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी चली तो सर मेरे जैसे ये कोर्ट जो रोड है ना, ये पुलिया नदी का, वहाँ के मुझे रोका तो उनने आते ही गाली गुप्ता बोला मुझे पुलिस वालों ने। मैंने कहा सर बोलो क्या बात, कि गाड़ी की तलाशी वाले से लेंगे। तो मैंने कहा सर देख लो, तो तलाशी नहीं ली, तलाशी के पहले मेरे को पुलिस वालों ने थप्पड़ ठोका, गाली गलौज भी बिका। फिर उनने बोला कि गाड़ी वापस रिटर्न कर। मैंने कहा सर क्यों, कहने गाड़ी रिटर्न कर। मैंने कहा सर आप ही कर लो। तो मुझे ज़बरदस्ती गाली गलौज देते, थप्पड़ मुक्कर देते देते लात घुमा दिया उनने और मुझे वापस जो मीट मार्केट है ना इस साइड में नीचे ले गया जंगल में। जंगल में ले जाने के बाद में बोला कि तेरे पास कितने पैसे हैं माधर, जो ये पैसे ले जा और नहीं तो तेरी गाड़ी में हथियार रख देंगे, दारू रख देंगे, गांजा रख देंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने नहीं कि हम ऐसे ही करने जानते हैं, हम कोलारस के पुलिस वाले हैं, तुम जानते नहीं हो अभी तक। तो मैंने कहा सर ऐसा मत करो। तो सर मेरे पास 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये उनने उनकी छीन लिए मेरे से। छीनने के बाद में 40 तो मुझे वापस कर दिए और 10,000 पुलिस वालों ने उनने रख लिया। फिर उनने बोला कि माधरचोद ये बात तुम्हारे हमारे बीच में रहने देना, अगर ये बात किसी को बता दी तो उन्हें तेरी मात चोद देंगे हम, अब अभी छोड़ देंगे, अभी तू हमारे को फंसा देगा, इससे क्या बाद में भी तेरी और मात चोद देंगे, तेरी गाड़ी का फोटो ले लिया, तेरा फोटो ले लिया, दारू रख देंगे, इसमें रख देंगे, गांजा रख देंगे, ऐसा बोला। फिर सर मैं चला वहाँ से, मेरे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में एक बाइक पीछे पीछे चली तो मेरे को रोड तक छोड़ने आई, शिवपुरी की तरफ पड़ोरा चरवा साइड में, तो वहाँ से बाइक लौट के फिर मैं घर को निकल गया। कोलारस से अमर काले की